आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और इस अंश में हम बात करते हैं हर फ्राइडे खिलाड़ी नंबर वन की। पूरे हफ्ते इस मुकाबले में हमारा साथ दे रहे थे आशीष कयाल, समित चौहान और प्रशांत सावंत, और देखिए क्या हाल रहे हैं। समित के लिए बेहद खराब हफ्ता, -11% के रिटर्न्स। दूसरे स्थान पर प्रशांत सावंत आए 5% के रिटर्न्स, लेकिन इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर वन है आशीष कयाल। याद रखिएगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला आज सुबह में था जहां पर आशीष और प्रशांत के बीच दरअसल कांटे की टक्कर थी, नेक टू नेक थे, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब 11% के रिटर्न्स के साथ इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर वन आशीष कयाल बने हैं। कांग्रेचुलेशंस आशीष, एक इंटरेस्टिंग हफ्ता जहां पर हम सब उम्मीद कर रहे थे कि अटेम्प्ट हम करेंगे 6900 की तरफ, और क्या भी 6800 को छूते छूते रह गए। आज के सेल ऑफ के बीच बताइए, जो कॉन्फिडेंस था क्या वो अभी भी बरकरार है या फिर नए सिरे से अगले हफ्ते मार्केट को देखना होगा? देखिए हर्षदा, ये एक्चुअली मैं बताना चाहूंगा कि ये कॉन्सिक्यूटिव थर्ड विक्ट्री है जब ये गेम शो की, और एक स्टॉक जो चला है मेरे लिए लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी हुए है एंजल वन, जिसकी बात आप शुरुआत से ही कर रहे थे जो सभी जवाब नहीं दे पाए, और वही स्टॉक मेरे लिए मेरे ख्याल से काफी चला और अच्छा खासा रिटर्न सबसे ज्यादा उसी ने दिया। और वीक काफी चैलेंजिंग था, स्टॉक सिलेक्शन काफी डिफिकल्ट था, इतना आसान नहीं था ये स्टॉक सिलेक्ट करके इस वीक को प्ले करना, क्योंकि आज भी आप देखिए कि ओवरऑल बाजार गैप अप होके वहीं से नीचे की ओर आया, तो स्टॉक पिकिंग बहुत ही ट्रिकी था। लेकिन रेलटेल ने कमाल करा और दिन के उच्चतम स्तर पर क्लोज हुआ जहां पर सारा बाजार नीचे आ रहा था, तो हमने उसे होल्ड किया। तो इस मार्केट में होल्ड और एग्जिट दोनों ही बहुत, बाय और एग्जिट दोनों, एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आने वाले सप्ताह में मेरे ख्याल से बहुत चैलेंजिंग होगा, गिवन दैट कि मार्केट का रुझान है ऊपर का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हर एक लेवल पे देखी जा रही है। निफ्टी 16,800 पार नहीं कर पाया, तो देखेंगे कि किस तरीके से मंडे की शुरुआत होती है, और यहाँ पर मंडे अगर निफ्टी प्रोटेक्ट करके रखता है 16,490 के लेवल को तो बाय में ही चलेंगे, क्योंकि बाइंग में चुनिंदा स्टॉक्स वापस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर 16,490 के नीचे निफ्टी जाता है तो फिर शायद सेलिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक में देखी जाएगी। अच्छा, एक तो एंजल वन जिसका आपने जिक्र किया, इस हफ्ते 11.5% चला है, तो अगले हफ्ते क्या दर्शक जो आपको फॉलो कर रहे हैं इस गेम शो के जरिए उनको कैरी करना चाहिए वो ट्रेड? अब हाँ, बहुत लेट हो गया बट अगर पोजीशंस ऑलरेडी आपके पास में हैं और आप होल्ड करें तो यहाँ पर मैं कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलिए, क्योंकि बाजार में हमने देखा है कि ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है प्रॉफिट निकालने की, तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, रिमेनिंग आप ट्रेल करके कैरी करिए पोजीशंस को, 1450 के स्टॉप लॉस के साथ इंजन वन को कैरी करिए पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के साथ में। और दूसरे जो स्टॉक है रेलटेल, उसे अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कैरी करिए। मुझे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि शो के लिए आज से मैं खेल रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए ग्रेफाइट है, रेलटेल है, एंजल वन है, ये अभी भी इसमें गुंजाइश है ऊपर आने की, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ही काम करिए और प्रॉफिट बुक करते चलिए। तो क्लियरली ये बहुत ही, ये इनफैक्ट ऐसे मोड पर मार्केट खड़ा है कि एक तो सही स्टॉक सिलेक्शन और सही टाइम पर एग्जिट, अगर ये दोनों ठीक हो जाए तो आपके पैसे बनेंगे, वरना आप थोड़े से परेशानी में रह सकते हैं। और एंजल वन, रेलटेल, टाटा इन्वेस्टमेंट और ग्रेफाइट इंडिया, ये वो सभी ट्रेड्स हैं जो विनिंग ट्रेड साबित हुए दरअसल आशीष कयाल के लिए। कांग्रेचुलेशंस वंस मोर आशीष, और फिर आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी जब मुकाबला होगा सभी पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं का। बिल्कुल, ये चौथा होगा शो, देखते कंसेक्यूटिव 4 विंस हो पाते क्या, कंसेक्यूटिव 3 विंस अब तक हुए, चौथे की तैयारी करने में लगेंगे। तो हैट्रिक तो आपने मार ही लिया, अब देखते हैं चौके की तरफ बढ़ते हैं या नहीं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट अगले हफ्ते के लिए भी। चलिए एक